तो दोस्तों रियलमी वायरलेस 3 के छोटे भाई नियो लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन क्या ये छोटे भाई अपने बड़े भाई को टक्कर दे पाएंगे आउटपुट के मामले में, आइए चेक करते हैं। और बड़े भाई तो दोस्तों काफी बढ़िया कॉलिंग प्रोवाइड करते हैं, ड्राइविंग के टाइम पे हम लोग टेस्टिंग कर चुके हैं, अब बारी है छोटे भाई नियो की, आइए उसकी भी टेस्टिंग करते हैं बाइक पे ड्राइविंग के टाइम पे। लेकिन आप लोगों का भी दोस्तों फर्ज बनता है इस वीडियो में 2000 लाइक्स का टारगेट पूरा करने का, सबसे पहले चले अब। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, यहाँ पर आप लोगों के काफी रिकमेंडेशंस आ चुके हैं कि भाई Realme Buds Wireless 3 Neo नेकबैंड लॉन्च हो चुके हैं 1300 रुपए के आसपास, तो हमने इनको पर्सनली परचेज कर लिया है। और जो Realme Buds Wireless 3 नेकबैंड थे उसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड मिलने वाला है, लेकिन इसमें आपको ANC मोड नहीं मिलेगा, ये 1500 रुपए के अंडर लॉन्च हुए हैं, लेकिन फीचर से इसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, साथ ही में आपको एप्लीकेशन सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन आउटपुट कितना बढ़िया तरीके से जस्टिफाई करता है, हमेशा की तरह हम लोग करेंगे बढ़िया तरीके से हैवी टेस्टिंग, ताकि अगर आप 1500 रुपए के अंडर एक नेकबैंड कंसिडर करने का सोच रहे हैं, वीडियो के एंड तक पॉसिबल आप डिसाइड कर लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको Realme Buds Wireless 3 Neo नेकबैंड का ऐसे बिल्कुल आपको अभी अच्छा सा बॉक्स मिलने वाला है, पैकेजिंग इंप्रेसिव दी गई है ब्रांड की तरफ से, बैक साइड में कुछ फीचर्स मेंशन किए गए, सब आगे डिटेलिंग में चेक करेंगे। इसको आप अनबॉक्स करेंगे तो यहां पर आपको ऐसी पैकेजिंग मिलने वाली है, बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा यहां पर एक यूजर मैनुअल, इसमें आपको सारी डिटेलिंग मिलने वाली है प्रोडक्ट के बारे में, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए QR कोड दिया गया है, Realme लिंक एप्लीकेशन का हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे वर्क करती है। साथ ही में आपको एक्स्ट्रा ये टिप्स मिलने वाले हैं अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन यहां पर आपको टाइप सी की चार्जिंग केबल नहीं मिलने वाली दोस्तों, यहां पर आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग दिखेगी ब्रांड की तरफ से, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे दोस्तों तो ऐसा आपको लुक एंड फील का नेकबैंड मिलने वाला है, मैंने ये वाला कलर कॉम्बिनेशन परचेज किया हुआ है। एंड जो बिल्ड पूरी आपको प्लास्टिक की मिल जाएगी नेकबैंड की, यहां पर जो यहां पे वायर की क्वालिटी दी गई है सही आपको मिलने वाली है, इसको आप ऐसे आराम से फ्लेक्सिबल तरीके से भी यूटिलाइज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट को लेकर मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी। और इस साइड पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सिंपली Realme की ब्रांडिंग मिल जाएगी, डुअल टोन यहां पर आपको दिया गया है, यहां पर आपको मैट फिनिश और ग्लॉसीनेस का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। एंड ऐसे कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया गया इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, और जो प्लास्टिक क्वालिटी यहां पर आपको डिसेंट मिलने वाली है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और राइट साइड पर देखेंगे तो यहां पर आपको 3 मल्टीफंक्शन बटन मिलने वाले हैं, प्लस माइनस का बीच में आपको एक मल्टीफंक्शन बटन मिल जाएगा, एक बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलने वाली है, एक टाइप सी का यहां पर आपको पोर्ट मिलने वाला है ओपन, यहां पर आपको ऐसे कोई कवरिंग नहीं दी गई टाइप सी पोर्ट में, यहां से आप नेकबैंड को चार्ज कर सकते हैं। और बिल्ट इन आपको माइक्रोफोन मिल जाएगा, और यहां पर जो वायर की क्वालिटी दी गई वो भी आपको यहां पर डिसेंट मिलने वाली है, क्वालिटी को लेकर मुझे कोई इशू नहीं लग रहा है। और यहां पर आपको मिल जाएंगे बड्स आपको पूरे प्लास्टिक बिल्ड के मिलने वाले हैं, ऐसा आपको लुक एंड फील मिलने वाला है, लुक एंड फील यहां पर आपको डिसेंट मिल जाएगा बड्स को लेकर, यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे आपको ग्लॉसीनेस मिलने वाली है। और इसमें आपको यहां पर प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर भी दिया गया, ये भी एक प्लस पॉइंट है जो कि काफी सही तरीके से वर्क करता है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं सिंपली आप बड्स को अलग कर देंगे, ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लास्ट पे डिवाइस से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, और बड्स को आप जोड़ देंगे इंस्टेंटली डिस्कनेक्शन भी हो जाएगा, मैग्नेटिक ऑन ऑफ फीचर बढ़िया तरीके से वर्क करता है। साथ में डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन भी दिया गया, एक टाइम पे आप दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी इसकी फिटिंग की बात करेंगे, फिटिंग को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, ये काफी लाइट वेट नेकबैंड है, आपको ऐसा लगेगा नहीं आपने नेक पे कुछ लगा के रखा हुआ है, फिटिंग आपको यहाँ पे सही मिलने वाली है अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएं, कानों में सही तरीके से पैकिंग प्रोवाइड करते हैं। और पैसिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी मुझे काफी बढ़िया लगा, नेकबैंड लगाते ही आप बोल सकते हैं 85% तक बैकग्राउंड की नॉइस कैंसिल हो जाएगी, अच्छी खासी एक्टिविटीज कैंसिल कर देगा बैकग्राउंड की। और यहां पर मैंने काफी कोशिश की हुई है, आप यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए, एक्टिविटीज भी करते हैं, रनिंग जॉगिंग कुछ भी आप करते हैं, जिम पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं, कानों से ये तस से मस नहीं होंगे, सिक्योर तो आपको फिट मिल जाएगा इनके थ्रू। एक नजर डालते हैं सबसे पहले इनके फीचर्स पार्ट को लेकर, यहां पर तो इसमें आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ वर्जन 5.4 लेटेस्ट, IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर, 13.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर, डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन, गूगल फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन, AI एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर वाले माइक्स, गेमिंग मोड मिल जाएगा, Realme लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। अप्रॉक्सिमेटली आपको 32 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, 10 मिनट आप नेकबैंड को चार्ज करेंगे अप्रॉक्सिमेटली आपको 5 से 6 घंटे का प्ले टाइम भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फीचर्स मुझे यहाँ पे काफी इंप्रेसिव लगे, फीचर्स पार्ट को लेकर मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और अगर हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन सपोर्ट की, यहां पर आपको Realme लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद यहां पे आप बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर सकते हैं नेकबैंड की, इसमें आपको मल्टीपल इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, क्लियर वोकल्स, नेचर बैलेंस, क्लियर बेस, बेस बूस्टेड, और मल्टीपल यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं इक्वलाइजर पार्ट को लेकर आपको आउटपुट कैसा चाहिए। साथ ही में आपको डायनेमिक बेस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे बेस के लेवल सेट कर सकते हैं आपको बेस इफेक्ट्स कैसे चाहिए, वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन मिल जाएगा ऑन ऑफ कर सकते हैं, डॉल्बी एटमॉस अगर आपका फोन सपोर्ट करता है तो प्रॉपर आप कस्टमाइजेशन कर पाएंगे आपको एनवायरमेंट के इफेक्ट्स कैसे चाहिए डॉल्बी एटमॉस को लेकर। तो डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन है उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से गेमिंग मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंड माय फोन का ऑप्शन, ऑटो आंसर कॉल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और जो बीच वाला मल्टीफंक्शन बटन है उसको आप यहाँ पे सिंगल टैप करने से, डबल प्रेस करने से, ट्रिपल प्रेस करने से, टच एंड होल्ड से एक्जैक्टली क्या करवाना है आपको यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो उसको प्रॉपर तरीके से बीच वाले बटन को। तो ये सब आपको कस्टमाइजेशन मिलने वाली है एप्लीकेशन पार्ट में, प्रॉपर तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं आउटपुट को भी, बटन कंट्रोल को ले भी, ये भी एक प्लस पॉइंट है। बात करेंगे इसके गेमिंग एक्सपीरियंस को लेकर, यहाँ पर 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी क्लेम की है, लेकिन कितना जस्टिफाई करते हैं आप खुद ही देखिए BGMI गेम टेस्ट के थ्रू।
तो यहां पर मैंने हमेशा की तरह इसका एसबीसी कोडेक ऑन कर दिया था पहले, क्योंकि एसबीसी कोडेक में आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है एज कम्पेयर टू एसी कोडेक। इसका गेम मोड ऑन करके मैंने बीजीएमआई खेला था। जो 45 मिली सेकंड है, मुझे अप्रॉक्सिमेटली 45 से 50 मिली सेकंड यहाँ पर लेटेंसी लगी। इन ऑडियो एक्सपीरियंस आपको लाउड मिलने वाला है, एनिमीज लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही है क्लियरली करता रह पाएंगे। इसको आप डेफिनेटली वैसे अच्छी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। यहां पर आपको 13.4 एमएम के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे एसबीसी एसी कोडेक के सपोर्ट के साथ। लाउडनेस आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है, फुल वॉल्यूम पे आप सुन सकते हैं बिना किसी डिस्टॉर्शन के। और साउंड लीकेज की बात करेंगे, फैन के नीचे बैठ के अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं साउंड लीकेज बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। साइड में जो बैठा हुआ नहीं बता पाएगा आप कानों में क्या सुन रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल शांति वाले एनवायरमेंट में है, 80% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे यहां पर आपको थोड़ा बहुत साउंड लीकेज देखने को मिलेगा बिल्कुल शांति वाले एनवायरमेंट में, लेकिन ज्यादा नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी आउटपुट की बात करेंगे, आउटपुट इसमें काफी आपको यहाँ पे अच्छा मिलने वाला है। मेनली जो मल्टीपल कस्टमाइजेशन दी गई है यहाँ पे एप्लीकेशन से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको वोकल से फोकस जाना है, ट्रेवल्स आपको कैसे चाहिए, यहाँ पे जो आउटपुट उसको आप सेट करके प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके वोकल्स को लेके, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन को लेके, डिटेलिंग पार्ट को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। ट्रेबल्स भी आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं, लेकिन जो बेस इफेक्ट्स हैं बेस मुझे यहाँ पे अच्छे लगे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं लगे जैसे यहाँ पे आपको रियलमी वायरलेस 3 में बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। इसका मैंने बेस बूस्टेड मोड में ऑन किया तो जो बेस बूस्टेड मोड दिया गया है ना उसमें ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन लग रही थी बेस पार्ट को लेके, बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं लग रही थी बेस पार्ट को लेके बेस बूस्टेड मोड में। क्लियर वॉइस में सुनेंगे आपको लगेगा हाँ प्रॉपर आपको पंचनेस मिलने वाली है, लेकिन मेरे को लगा कि हल्का फुल्का कहीं ना कहीं बेस पार्ट को लेकर थोड़ी सी एनहांसमेंट होनी चाहिए थी। डिसेंट यहाँ पे आपको बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, प्रॉपर आप बोल सकते हैं सॉफ्ट यहाँ पे आपको पंचनेस मिल जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है। मेरे हिसाब से बेस इफेक्ट में थोड़ा बहुत यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए था। बात करेंगे इसके कॉलिंग पार्ट को लेकर, यहाँ पर आपको एआई एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर वाले माइक दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ड्राइविंग के टाइम में हमारा एचडीआरएस हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम इसके थ्रू। हेलो, यस दीक्षा जी, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, अभी मार्केट से आ रही हूँ। मार्केट से आ रहे हैं, चलिए बढ़िया। अभी एक कॉलिंग टेस्ट कर रहा है हमें, अभी मेरे पास है Realme Wireless 3 Neo नेक बैंड, इस पे AI environmental noise cancellation वाला फीचर दिया गया है। अभी फिलहाल मैं ऐसे रोड साइड पे खड़ा हूँ, बाइक पे, बाइक चल नहीं रही है, बाइक पे सिर्फ खड़ा हूँ, बैठा हूँ मतलब मैं। तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से मेरी आवाज आपको कैसी आ रही है? नेक बैंड के थ्रू बातचीत की जा रही है? आवाज तो काफी क्लियर आ रही है, लाउडनेस भी काफी अच्छी है, वोकल्स काफी क्लियर लग रहे हैं मुझे। ऐसे कोई विंड नॉइज को लेके, एक्टिविटीज को लेके बैकग्राउंड की कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, ना ही मुझे बैकग्राउंड की एक्टिविटी पता चल रही है, ना ही विंड नॉइज आ रही है। कितना परसेंट आवाज पे फोकस बोल सकते हो अभी नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से, स्टेबल कंडीशन में? अभी 90% के ऊपर ही बोलूंगी थोड़ा सा। अच्छा, इतना अच्छे से फोकस है। हाँ ठीक है, मैंने बाइक स्टार्ट कर दी, थोड़ा यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, हॉर्न बजा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो अब सुबह कम्फर्टेबली मेरी आवाज कैसी आ रही है यहाँ पे ड्राइविंग के टाइम पे, हॉर्न को लेके, विंड नॉइज को लेके, यहाँ पे थोड़ा सामने ट्रैफिक कंडीशन को लेके कैसे? ड्राइविंग के टाइम पे हॉर्न की आवाज भी अच्छे समझ में आ रही है, लेकिन तुम्हारी आवाज भी मुझे समझ में आ रही है। फोकस है मेरी आवाज ड्राइविंग के टाइम पे भी तरीके से? हाँ फोकस है, थोड़ी सी विंड नॉइज भी आ रही है, समझ में आ रहा है मतलब। फोकस हो सकती है ड्राइविंग के टाइम पे 80-85% है इतना अच्छे से फोकस? हाँ ठीक है दीक्षा जी, थैंक यू। ओके हाँ बाय। कॉलिंग यहाँ पे आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है दोस्तों, अगर आप इंडोर कंडीशन में है, नॉर्मल आउटडोर कंडीशन में है, ट्रैफिक कंडीशन में भी है, ट्रैफिक कंडीशन में थोड़ी बहुत दिक्कत फेस हो सकती है, लेकिन आपकी आवाज से प्रॉपर तरीके से फोकस रहेगा, ड्राइविंग के टाइम में भी मैनेजेबल तरीके से आपको कॉलिंग मिल जाएगी। इसमें आप डेफिनेटली अच्छी कॉलिंग के लिए इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, इसके गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, मैं इसके कॉल क्वालिटी को दूंगा इंडोर कंडीशन में 9 out of 10, आउटडोर कंडीशन में 8.5 out of 10, इसके गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा मैं 9 out of 10। दिस आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेक बैंड अप्रॉक्सिमेटली 1300 रुपए के आसपास, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ये अच्छा पैकेज है। इसमें जो एप्लीकेशन का सपोर्ट है सही तरीके से वर्क करता है, आउटपुट भी कहीं ना कहीं सही तरीके से जस्टिफाई करता है, बट मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत बेस पार्ट को लेकर थोड़ी बहुत बेटरमेंट होनी चाहिए थी। बाकी मैंने आपको सारी की सारी टेस्टिंग दिखा दी, प्रोज एंड कॉन्स के साथ आप पे डिसीजन मैटर करता है इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं। बेस्ट पॉसिबल लिंक्स भी है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, कंप्लीट टेस्टिंग एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च्ड Realme Wireless 3 Neo नेक बैंड। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।